ਮੀਟਰ ਖਾਟ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ 500 ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਐਵੇਂ ਕਹੂੰਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫੁੱਟੀ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਮਲੈਮ ਮਲੈਮ ਫੁੱਲ ਟੈਂਡਰ ਮੀਟ टेंडर मीट है फुल इनका। ये जनाब हमने एक बाइट बनाई एक एक रंदा जाकर बहन आ गया जी जनाब दास अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप कैरियर से होंगे। आज हम एक नई फूड सीरीज एपिसोड के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम किसी ना किसी फूड पॉइंट को कवर करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साथ ओन भाई मौजूद हैं, ये मियाँ मानी साहब मौजूद हैं, चाचू मौजूद हैं और अवैसा मौजूद हैं। तो आज हम अंदरून रोड का एक नाश्ता कवर करने जा रहे हैं, वो आप थंबनेल में देख चुके होंगे या आगे आप वीडियो में देख लेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, साथ साथ आपको सारा सफ़र दिखाएंगे। अच्छा, एक बात आपको बताना हम भूल गए हैं कि ये सीरीज़ आज से मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, इसको आज से मैं हैंडल करूँगा और ओन भाई इंशाल्लाह किसी नई सीरीज़ का साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चलें चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हाँ जी भाई, आ गए हो? आज जल्दी आ गए। लो जी, ये हमारी सवारियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह चलें हम अपने सफर का नाम स्टार्ट करते हैं। 3000 दे पा रहे हैं पेट्रोल है ना, तू तो कितना कर ले। तो जनाब हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो हमारे पास दास कुलचा हमने ट्राई करना है और एक हमने मटन चने ट्राई करने हैं, स्लिम बट मटन चने और दास कुलचा। तो बस हम रास्ते में हैं तो पहुंच के आपको दिखाते हैं, पहले हम मटन चने की तरफ जा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਲਾ 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 ਵਾਰਦੇ 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 ਸਾਡਾ ਵਲੌਗਰ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹਮ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੀਮ ਬਟ ਮੰਡਨ ਚਨੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ? ਰਾਤ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣਗੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਟਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੈਸ ਵੀ ਔਨ ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਆਗੇ ਹਮ ਦਿਖਾਤੇ ਹਾਂ। यहाँ पर राश तो माशाल्लाह काफ़ी है, इनका नाम भी हमने काफ़ी सुना और टेस्ट भी इनका सुना है, काफ़ी अच्छा है। मटन चनों में एक लोहर में नाम है स्लिम बट का। आगे आपको जाके दिखाते हैं बाकी। तो जनाब ये है अपना, ये नाम इनकी रेट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर रश लगा हुआ है, ये जनाब आप देख सकते हैं इनकी सिटिंग लगी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बैठने लगे हैं, जैसे ही ऑर्डर देते हैं ऑर्डर आता है आपको दिखाते हैं। हाँ जी भाई साहब, इंतजार हो रहे हैं। इधर साढ़े जिन्हें भतीजा बुला रहे ना, वो खेलता है। कोई गानी यार, जिन्हें ऐसे उसी उन्हें उम्र दे बड़े जिन्हें साढ़े मटन चने नहीं आंदे उन्हीं देर तक असी गेम खेल जाना। अच्छा जी सर, बस ओवे ओवे टिक लग गई, टिक लग गई। हाँ जी, ये गए हो, ये गए हो कौन है तू, कौन है तू? साहब
ਪੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਸਾਰ ਨੇ ਮੋਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਹੋਇਆ ਸਭ ये हमारा आज का मटन चने का प्याला हम आपको टेस्ट करके बताते हैं और मटन की बोटी तोड़ते हैं हम मुलायम मुलायम फुल टेंडर मीट है फुल इनका ये जनाब हमने एक बाइट बनाई माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है हाँ जी शाह साहब फोन तो करते माशाल्लाह ठीक है एक्सपीरियंस अच्छा है हाँ जी मामू दो नंबर आया है जी टू नंबर हाँ जी ठीक है हाँ जी मुनासिब हाँ जी हाँ जी बस जो सुनिया सी ना पर उस हिसाब ना जरा मीडियम ही है मुनासिब मीडियम अच्छा चने वाला लाना नान नान निकले आज हाँ जी भाई चलिए अगले पॉइंट से लो जनाब हम यहाँ से फारिग हो चुके हैं अपना सलीम भट से तो आगे हम अपने अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके आपको मिलते हैं जी मोहन भाई सबसे पहले तो इनकी शॉप के ऊपर रश काफ़ी ज़्यादा है और मैनेजमेंट का इनके पास कोई निज़ाम ऐसा खास नहीं है बाकी इनका सर्विस का एटमोसफेयर का और टेस्ट का ओवरऑल अगर आपको रिव्यू दें तो 5 में से 2.5 है जी भाई 5 में से 2 नंबर जी भाई साहब 2.5 हाँ जी भाई यार साढ़े 2.5 दे रहे ने मेरे को 2.75 कर लो हाँ जी भाजी दो एहसान ना करो 2.5 दियो तो जनाब मेरी तरफ से भी 3 नंबर तो जनाब चुके हैं यहाँ पड़े हैं जी दास कुलचा तो ये आगे इनकी दुकान है यहाँ से पैदल रास्ता है गाड़ी भी खड़ी करनी पड़ेगी तो आगे पैदल चलते हैं हम हाँ जी चलिए भाई दास कुलचा खान देखते हैं क्या आइटम है हमने भी फर्स्ट टाइम ट्राई करनी है क्यों ऐसा पहले खाया कभी दाल कुलचा नहीं पाइन पहली बार ही है ये जनाब तैयार हो रहा है दास कुलचा तो जनाब ये हम ट्राई करते हैं ये है जी कुलचा एक मूंगफली बादाम पिस्ता काजू फुल्की है बेसन की है बेसन की फुल्की बनी है एक ही अंदर जाकर बहन है हाँ चिकन है तो टेस्ट तो है फुल्की लहर है थोड़ा मेन लुकमा ये है चिकन छोड़ चने कितने हैं छोटे हैं चने जी भाई साहब बहुत बढ़िया जी जनाब दास कुछ ना पूछो जैका ही मुंह का खराब हो गया 5 नबी 105
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆੜੀ ਸਮੈਲ ਲੈ ਲਈ ਐ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਹੀ ਆਇਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀ ਤੋ ਜਨਾਬ ਦਾਸ ਕੁਲਚੇ ਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਮ ਆ ਗਏ ਜੇਦਾ ਲੱਸੀ ਪੇ ਕੀ ਗੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਜੇਦਾ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੇਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ लस्सी इनकी होती है फुल ठीक दही वाली लस्सी टोटल दही होती है दूध का इस्तेमाल वो नहीं करते आपको वो दिखाते हैं हम ये है जनाब जेदा लस्सी पॉइंट तो यहाँ से आपको टोकन मिलता है और उसके बाद यहाँ से आपको लस्सी ये इस तरह यहाँ पर लाइना में ला के लेनी पड़ती है असल में है जवेद लस्सी तो जवेद इसका नाम पड़ गया जेदा हाँ जी भाई लाइने कौन लगा है जी भाई साहब लाइन में लगे हो कौन कौन आ जाएगी ये जी हमारे कप आ भी गए मसाला सही है जी भाई सही है दास कुलचे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे भाई भाई मैं पी ली फसल लस्सी कमाल दी अच्छा सही है दास कुलचा ओए ओए हो गया बस हाय हाय ओए ओए क्या दी रेटिंग 5 में से 5 जेदा की रेटिंग 5 में से 5 जी भाई जेदा की रेटिंग दसो 5 से 4 ना मेरे में से ऐसे 5 में से 4 आ मेरे भी 4 जेदे की रेटिंग भाई जान 5 से 5 माशाल्लाह जेदा मेरे ख्याल से वो फूड पॉइंट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा खुश हुए हैं बाकी तीनों का भी हमारा एवरेज एक्सपीरियंस है और जो दास कुलचे का तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अजीब रहा है जेदे की रेटिंग 5 में से 3 ले जनाब अपने ब्लॉग का भी तरह इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं आज हमने 3-4 फूड पॉइंट विजिट किए हैं दास कुलचा सलीम भट के चने और जेदे की लस्सी इसमें जेदे की लस्सी सबसे बेस्ट थी जेदे की लस्सी का हमारा एक्सपीरियंस फिर सबसे अच्छा रहा है सलीम भट भी मुनासिब था और दास कुलचे की तो क्या ही बात है मैं ना कहानी हो गई उन्होंने माल चपना नहीं दोबारा तो हम अपने ब्लॉग में यहाँ एंड करते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले किसी भी फूड से मुलाकात होगी तो इस चैनल के मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए बिल्कुल अल्लाह हाफिज़।